नमस्ते, मैं कुनमुन और आपका स्वागत है मेरे रसोई में। आज मैं बनाने जा रही हूँ प्याज के वड़े। ये पहली बार YouTube पे बनाया जा रहा है। ये बहुत इजी, क्विक और सिंपल रेसिपी है। इसे आप ज़रूर घर पर ट्राई करें। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ 2 कप चना दाल, 2 प्याज लंबे और पतले कटे हुए, 1 टेबलस्पून नमक, 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, 2 हरी मिर्च कटी हुई, लहसुन अदरक का पेस्ट, इसको दरदरा पीस लेंगे, और करी पत्ता। पहले हम दाल को पीस लेंगे। मैंने इसको 4 से 5 घंटों के लिए भिगोया था। इसका पेस्ट बनाते टाइम हम ज़्यादा पानी यूज़ नहीं करेंगे, हम एकदम थिक बैटर बनाएंगे। आप देख सकते हैं हमारा बैटर रेडी हो गया है और ये कितना थिक बना है। मैंने इसमें 1/2 कप से कम पानी यूज़ किया है। अब हम बैटर में बाकी इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ नमक और बेकिंग सोडा एक ही साथ ले लिया है। आप हरी मिर्च के बदले चिली पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये बड़े थोड़े चटपटे चाहिए तो आप चाट मसाला और आमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर नहीं किया है। हमने सारे इंग्रेडिएंट्स बैटर में ऐड कर दिए हैं। अब हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करते टाइम ध्यान रखिएगा कि इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड ना करें। आप देख सकते हैं हमारा मिक्सचर अब तैयार है। जब तक मिक्सचर बन रहा है तब तक हम कढ़ाई पे तेल डाल के उसको गर्म करने रख देंगे। आप देख सकते हैं मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम चेक करते हैं कि तेल अच्छे से गर्म हुआ है कि नहीं। चेक करने के लिए मैंने इसमें अब थोड़ा सा बैटर डाला है और आप देख सकते हैं कि तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें वड़े डालेंगे फ्राई करने के लिए। मैंने यहाँ लोहे का कढ़ाई यूज़ किया है। आप चाहे तो नॉनस्टिक का भी कढ़ाई यूज़ कर सकते हैं। आप वड़े किसी भी साइज़ और किसी भी शेप में डाल सकते हैं। इसके लिए कोई पर्टिकुलर साइज या शेप नहीं है। हमें वड़े को तब तक फ्राई करना होगा जब तक वो अच्छे से दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। आप देख सकते हैं ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं एक साइड से। अब हम थोड़ा पलट देंगे। यहाँ पे मेरे वड़े थोड़े आपस में लग गए हैं इसलिए थोड़ा सा अलग कर देती हूँ। और गैस हाई फ्लेम में रखिएगा। हमारे वड़े दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसको किचन पेपर में निकाल देंगे। देखिए हमारे गरम गरम वड़े रेडी हैं। अब हम इसको सर्व करते हैं। देख सकते हैं आप अंदर से कितने अच्छे से पक गए हैं। आप इसको टमाटो ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ इसको मटर की सब्ज़ी के साथ सर्व किया। ये मटर की सब्ज़ी के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। आप ये रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। थैंक यू।